परी बनी राजीव की वकील, परी ने जीता राजीव का केस। कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल परिणीति के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। मैं हूं जानवी, वेलकम करती हूं आपका चैनल की तरफ से। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो परी है गुंडों से बचते बचाते सीधा कोर्ट पहुंच जाती है। जी हाँ, जहाँ पर मधुलिका ने अपने गुंडों को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो परी को किसी भी हालत में कोर्ट ना पहुँचने दे, तो यहाँ पर गुंडे ओवरटेक कर देते हैं परी के ऑटो को। लेकिन उसके बाद जो परी के चोट लगती है तो उन सबको लगता है कि बस अब परी नहीं पहुँच पाएगी कोर्ट। लेकिन परी ने ठान लिया तो ठान लिया, और ऐसे में परी जो है जख्मी हालत में भी कोर्ट पहुँचती है। मधुलिका को जज की सहायता से, उनकी अनुमति से बुलाती है यहाँ पर कटघरे में, जहां पर मधुलिका से करती है ढेरों सवाल। इसके बाद मधुलिका के पति को भी बुलाया जाता है और उनकी हिस्ट्री भी परी के पास है, जो कि बयां करती है यहाँ पर परी जज के सामने। सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि भाई परी इतनी अच्छी तरीके से राजीव का केस हैंडल करती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मधुलिका को भी ये अंदाजा लग जाता है कि अब तो बस परी सब कुछ जीत जाएगी। होता भी वैसा ही है, राजीव का केस परी जीत जाती है और राजीव बेगुनाह साबित हो जाता है। जिसके बाद राजीव जो है उसके घर वालों के साथ मिलता है और बहुत खुश होता है। यहाँ पर नीति को बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि नीति ये काम करना चाहती थी। खैर, अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप बताइए अपनी राय और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।